कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर एक बार फिर से जबरदस्त सियासत होने की उम्मीद है। इसी बीच राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। राहुल गांधी अब 28 मई को अपनी 10 दिवसीय अमेरिका की यात्रा शुरू करेंगे। इससे पहले उनका 31 मई को जाने का कार्यक्रम था। राहुल गांधी 29 से 30 मई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। वहीं इसके बाद राहुल गांधी 30 मई को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम का नाम मोहब्बत की दुकान ही रखा गया है। इसका पोस्टर भी जारी हो गया है। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले हो रही है। पीएम मोदी 22 जून को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन ने व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन रखा है। अब प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले राहुल गांधी की यात्रा अपने आप में चर्चा का कारण बनी हुई है। वहीं इसके पहले इसी साल मार्च में राहुल गांधी का लंदन दौरा काफी सुर्खियों में रहा था, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत सरकार की आलोचना और देश में लोकतंत्र पर खतरे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी निशाने पर आ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।